यहाँ 10-10 मिनट में कानून बनते हैं, एक घंटे में संविधान बदल दिया जाता है। तो भाई ऐसे में किसान कहता है जैसे पार्टियों ने संसद में कानून पास कर दिया वैसे ही किसान सड़क पे कानून को फेल कर देगा। पहला कानून है जमाखोरी खोलो, ब्लैक मार्केटिंग खोलो कानून। अब बताइए, जमाखोरी से स्टॉकिस्ट को फायदा होगा, थोक व्यापारी को फायदा होगा, किसान को क्या फायदा हो सकता है? दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला, जिसको मैं कहता हूं बंधक किसान कानून। पंजाब के किसान ने देख लिया आलू का कॉन्ट्रैक्ट करके, जब मंडी में रेट ज्यादा होता है तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी लग जाएगी, एक साल दो साल 500-150 रुपए फालतू दे देगी और उसके बाद मंडी हो जाएगी बंद और कहेंगे अब जो दाम देना है तो दे, नहीं तो जा। यानी कि पिछले 60-70 साल में किसान के सर पे जो छप्पर लगा है वो छप्पर टूटा है, लीक करता है, किसान परेशान भी होता है। अब मोदी जी कहते हैं कि तेरा छप्पर तो टूटा हुआ है, लीक कर रहा है, ऐसा करते हैं तेरा छप्पर ही हटा देते हैं, तेरे को नीला आकाश दिखाई देगा, तेरे को रात में तारे दिखाई देंगे, ले तू तो आजाद हो गया। किसान कहता है मेरे को ये आजादी नहीं चाहिए, मुझे अपने सर पे पक्की छत चाहिए, मेरी छत हटाओ मत, बस ये मामला है। सर जी जैसे यहाँ पे कानून पास होते हैं वैसे ही फेल भी हो जाएंगे। यहाँ 10-10 मिनट में कानून बनते हैं, एक घंटे में संविधान बदल दिया जाता है। तो भाई ऐसे में किसान कहता है जैसे पार्टियों ने संसद में कानून पास कर दिया वैसे ही किसान सड़क पे कानून को फेल कर देगा। पंजाब के किसान ने तो कर दिया, अब हरियाणा का किसान भी अपनी पे आ गया है, देश भर का किसान खड़ा होगा। सरकार की हिम्मत नहीं है, सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इन्हें वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो किसान चुप करके नहीं बैठेगा इस देश में। हरियाणा का किसान कह रहा है कि भाई या तो कुर्सी या फिर किसान। ये दुष्यंत जी, रणजीत जी अपने आप को देवीलाल जी का वंशज बताते हैं, वंशज तो हैं, अपने आप को उनका वारिस भी बताते हैं। तो अब उन्हीं के जिले का किसान आके कह रहा है कि भाई तुम अपने आप को किसान का वारिस बताते हो ना, तो छोड़ो कुर्सी, आओ किसानों के बीच में बैठो, इन बिलों का विरोध करो। और अगर नहीं करना, अगर कुर्सी ज्यादा प्यारी है तो चिपक लो कुर्सी से, फिर अपने आप को किसान का वारिस कहना बंद कर दो और फिर किसान तुमसे सुलट लेगा अपने आप। ये तो पहला कदम है। पंजाब के किसान ने पहला विकेट ले लिया, उसने बादलों की टांग खींच के उनको उतार दिया। अब हरियाणा का किसान कहता है दूसरी विकेट मैं भी लूंगा, तो वो भी उसको करेगा और उसके बाद पूरे देश के अंदर यह आंदोलन फैलेगा। अभी भी फैल चुका है, 25 तारीख को सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटका में 2 दिन बंद रहा, महाराष्ट्र के जिले जिले में चलाया गया, ये पूरा देश का आंदोलन है। भाई अगर एमएसपी की गारंटी है तो किसान कहता है आप इसको कानून में लिख दो ना, आप कहते हो एमएसपी को कोई फर्क नहीं, गारंटी है, लिख दो कानून में लिख दो ना आप। और ये लिखने की सिफारिश मेरी नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये तो मोदी जी की अपनी बात है। मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था, तब सरदार मनमोहन सिंह को उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि एमएसपी को कानूनी हक बनाओ। तो मैं कहता हूं मोदी जी आप मेरी बात मत मानो, किसानों की बात मत मानो, आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो मान लो, बस यही चाहिए, कोई फर्क नहीं।